आओ बच्चों एक कहानी सुनते हैं, चुलबुल की पूंछ। चुलबुल एक गिलहरी थी। वह बहुत ही नटखट और बहुत ही चंचल थी। उसका नाम क्या था? चुलबुल। कभी फुदक कर वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती तो कभी पेड़ के नीचे उतर जाती। कभी दोनों पैरों पर खड़े होकर छलांगे लगाने लगती तो कभी चिड़ियों के पीछे दौड़ लगाने लगती। बहुत मस्ती करती थी। एक दिन एक पेड़ की डाली पर बैठी वो अखरोट खा रही थी। अचानक उसकी नजर अपनी पूंछ पर पड़ी। अरे ये भी कोई पूंछ है, इतनी हल्की कि पता ही नहीं चलता, पीछे कोई पूंछ भी लगी है। उसने अपने मन में ही ये सोचा। अब क्या किया जाए, चुलबुल थोड़ा सोच में पड़ गई। कुछ तो करना पड़ेगा इस पूंछ का। फिर थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना मैं डॉक्टर बोबू भालू के पास जाऊं और उनको बोलूं कि मेरी पूंछ बदल दो। और वो चली गई ये सोचकर। अभी डॉक्टर बोबू भालू हॉस्पिटल में नहीं थे तो वो वहां सामने अलमारी में कुछ जानवरों की पूंछ, टांग, कान, बहुत सारी ऐसी चीजें लटकी हुई थी, उन्हें देखने लगी। जब तक डॉक्टर बोबू भालू नहीं आते हैं क्यों ना मैं अपने लिए एक पूंछ ही चुन लूं, ऐसा वो सोचने लगी। और काफी सोच विचार के बाद उसे बंदर की पूंछ पसंद आई। जैसे ही डॉक्टर बोबू भालू कमरे में आए, चुलबुल उछलकर उनके मेज पर बैठ गई। डॉक्टर दादा मुझे बंदर की पूंछ लगा दो, उसने चहक कर कहा। डॉक्टर बोबू ने अपने चश्मे के ऊपर से देखा और पूछा, क्यों तुम्हारी अपनी पूंछ को क्या हुआ? मुझे अपनी पूंछ बदलनी है, चुलबुल मचली। अरे भाई बंदर की पूंछ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उसे समझाया, पर वो कहां सुनने वाली थी। कहने लगी, मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस आप मेरी पूंछ बदल दो, चुलबुल तो जिद करने लगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो बदल देता हूँ, पर फिर मत कहना। डॉक्टर बोबो भालू ने अपना चश्मा ऊपर खिसकाया और लगा बदलने, तो चुलबुल तो बहुत खुश हो गई। डॉक्टर बोबू ने फटाफट उसकी पूंछ बदली और बंदर की पूंछ लगा दी। वाह अब हुई ना कोई बात, चुलबुल खुशी से झूम उठी और नाचने लगी। मैं भी बंदर भैया की तरह पेड़ की ऊंची डाली पर अपनी पूंछ लटका कर बैठूंगी, ये सोचते हुए चुलबुल खुश होकर वहां से चल पड़ी। लेकिन ये क्या, अब तो उसे चला ही नहीं जा रहा है, शरीर इतना भारी हो गया था, उसे तो चलने में बहुत परेशानी होने लगी। बड़ी मुश्किल से खुद को दरवाजे से बाहर निकाल पाई। अपनी भारी पूंछ के साथ चलना उसे बहुत मुश्किल हो रहा था। किसी तरह पूंछ को खींच खींच कर वह पेड़ के पास पहुंची। पेड़ पर चढ़कर जरा आराम कर लेती हूँ, ये सोचने लगी। पर ये क्या, उसे तो पेड़ पे चढ़ा ही नहीं जा रहा था, एक इंच भी वो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही थी। कई बार उसने कोशिश की लेकिन वे हर बार गिर जाती। आखिर वे थक कर वहीं बैठ गई। नहीं ये पूंछ ठीक नहीं है, इसे बदलना पड़ेगा, ये सोचते हुए वे अपनी पूंछ को हाथ में उठाकर फिर चल पड़े डॉक्टर बोबो भालू के पास। किसी तरह बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते वो डॉक्टर के पास पहुंची और बोलने लगी, डॉक्टर दादा डॉक्टर दादा ये पूंछ तो बहुत भारी है, कोई हल्की सी पूंछ लगा दो ना, चुलबुल ने बड़ी थकी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, डॉक्टर बोबू कुछ गुस्से में बोले। गलती हो गई डॉक्टर दादा, आप मुझे बिल्ली की पूंछ लगा दो, चुलबुल ने अपनी गलती मानते हुए डॉक्टर को ये सलाह दी। डॉक्टर बोबू ने बंदर की पूंछ हटाकर बिल्ली की पूंछ लगा दी। ये पूंछ बंदर की पूंछ से तो हल्की है, सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। पूंछ की अदला बदली में अब वो इतनी थक गई थी कि वे वहीं पेड़ के पास लेट गई और आराम करने लगी। थकी हुई थी इसलिए उसे नींद भी बड़ी जल्दी आ गई। अचानक चोर की आवाज सुनकर उसकी नींद टूटी। अरे बाप रे बाप, एक बड़ा सा कुत्ता उसकी पूंछ देखकर उसे बिल्ली समझकर उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। चुलबुल भागी, आगे आगे चुलबुल, पीछे पीछे कुत्ता। ओह इस पूंछ के साथ तो मैं भाग भी नहीं पा रही हूँ, मेरी अपनी पूंछ कितनी हल्की थी, मैं कितने आराम से भाग सकती थी, चुलबुल अपनी गलती पर पछताने लगी। किसी तरह गिरते पड़ते वे फिर बोबो भालू के हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर दादा मुझे बचाओ,
चिल्लाती हुई वे अंदर भागी और कुत्ता भी उसके पीछे आ रहा था, पर वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं आया, वो बाहर ही खड़ा रहा। अब क्या हुआ, डॉक्टर बोबो ने पूछा। वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है, देखो बाहर तक आ गया है। मुझे किसी की पूंछ नहीं चाहिए, आप बस मेरी पूंछ लगा दो, चुलबुल ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। अब तुम्हें समझ आई, डॉक्टर बोबो मुस्कुराए। बिल्ली की पूंछ निकाल कर उन्होंने चुलबुल की पूंछ दोबारा लगा दी। अपनी पूंछ पाते ही चुलबुल ने चैन की सांस ली और खुश होकर घर चल दी। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी, उसके होंठों पर एक अच्छा सा गीत भी था। पता है वो क्या गीत था, चलो बोलो मेरे साथ। अपनी पूंछ है प्यारी प्यारी, अपनी पूंछ है सबसे प्यारी, हल्की फुल्की न्यारी न्यारी, उछल कूद कर दौड़ लगाती, उछल कूद कर दौड़ लगाती, लगती नहीं ये मुझको भारी, लगती नहीं ये मुझको भारी, अपनी पूंछ है सबसे प्यारी। देखा फिर कितनी अच्छी कहानी थी, है ना। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, कि हम सब अलग अलग हैं और भगवान ने हमें जैसा बनाया है बहुत सुंदर बनाया है और बहुत सोच समझ कर बनाया है, इसलिए कभी दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए।